अगर आप लोग भी YouTube से अर्निंग करते हैं, YouTube चैनल है, तो आपका एक एडसेंस अकाउंट जरूर होगा जिसके थ्रू आपको ये सारी अर्निंग होती है, आपको पता होगा। सो दोस्तों, अभी एडसेंस में एक न्यू अपडेट आया है कि आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है, तो आपको भी कुछ इस तरह से एक नोटिस आ रहा होगा। तो मैं ये फॉर्म फिल करने जा रहा था, तो मुझे लगा चलिए मैं इसकी वीडियो जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, ताकि जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल करना है, कम से कम वो फिल कर दें और सीख लें, ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको जब ये नोटिस आएगा, आप लोग देख लीजिएगा घंटी में कहीं भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो करके आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो पेज ओपन है वो हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही क्लिक कर दिया हुआ है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एड टैक्स इन्फो करके ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपसे एक पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी का मांगेगा, जो भी एडसेंस का होगा वो दीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं वो पासवर्ड जो है यहाँ पे अपना देता हूँ, और लेट्स सी कि उसके बाद हमें ये क्या क्या चीजें मांगता है, उस चीज को हम समझते हैं यहां पर। तो ये मैंने अपना पासवर्ड जो है, इस कुछ इस तरह से फॉर्म आपके सामने आएगा। एंड आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, देखिए नॉन इंडिविजुअल होता है कंपनी, काफी सारे ग्रुप मिलकर जिसको चला रहे होते हैं। इंडिविजुअल होता है जैसे मैं सिंगल पर्सन हूं, ठीक है, आप ही चला रहे हैं, कोई सिंगल पर्सन है, तो वो ये सिलेक्ट करेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। देखिए उसके बाद आपको ये पूछता है कि क्या आप यूएसए के रहने वाले हैं। नहीं, मैं यूएसए का रहने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नो पे सिलेक्ट करूंगा। तो ये हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद देखिए आप लोगों को जो फॉर्म सिलेक्ट करना है वो ये वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये वाला कंपनी के लिए है, ये वाला हमारे लिए है सिंगल पर्सन के लिए। तो हम यहां पे टिक करेंगे और स्टार्ट अपना जो फॉर्म है वो हमको फिल करना है, ठीक है। तो ये W8 फॉर्म होता है टैक्स के लिए, जो कि आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन होने देती हैं। देखिए उसके बाद ये आपसे पूछते हैं आपका नाम, ये आप दे दीजिए। उसके बाद आपको कंट्री यहाँ पे जो आपकी है वो आपको बतानी है, तो मेरी इंडिया कंट्री है, मैंने बता दिया। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं डालना है, इस जगह पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर जो है वो डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये मैंने अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया, टिन जो है वो पैन कार्ड नंबर में आता है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ अपना एड्रेस जो है वो कंप्लीट डालना है, तो वो आप लोग जो है वो डाल दीजिएगा। तो वो एड्रेस डालिए जो आपका परमानेंट है, और आपका जहां पे चिट्ठी मंगवाना चाहते हैं वो ये वाला। अगर आपका सेम एड्रेस होगा तो फिर आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं कंप्लीट एड्रेस अपना फिल कर देता हूँ, यही डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट विद होल्डिंग, तो जी हाँ मुझे इसको लेना है। और रेजिडेंट ऑफ द कंट्री क्लेमिंग ट्रीटिंग विद यूएसए, तो हमारी कंट्री ट्रीटी है यूएसए के साथ, तो हम लोग येस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे टिक लगा देंगे। और अपनी कंट्री का जो नाम है वो यहाँ पे हम ढूंढ लेंगे, इंडिया, ठीक है, जो भी आपका होगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ टिक लगाना है, क्योंकि हम ये सर्विस ले रहे हैं। ये पैराग्राफ जो जो आपको यहाँ पे आ रहा है 0% हम लेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद ये टिक, और उसके बाद मोशन पिक्चर टीवी वाले, जी हाँ ये भी सर्विस हम लेते हैं गूगल एडसेंस से, यहाँ पे 15% कीजिएगा, टिक लगा दीजिए। अदर यहाँ पे गूगल की प्ले की सर्विस, ये और ये, यहाँ पे 15%, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम टिक कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको नेक्स्ट जो है वो कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट हो गया, अब देखते हैं आगे क्या आता है। तो ये कुछ फॉर्म हमारा बनके तैयार हो चुका है, इसको मैं टिक करूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद कुछ यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है, तो कह रहे हैं आपका फुल नेम क्या है, तो मेरा फुल नेम है साजन कुमार, ठीक है, ये मैंने दे दिया। कहते हैं आर यू पर्सन लिस्टेड सिग्नेचर सेक्शन, जी हाँ मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने ये फॉर्म भरा है, और मैंने ही सारा कुछ अपने बिहाफ पे ये किया है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद पूछते हैं कि क्या आप मतलब यूएसए में कोई एक्टिविटी है जिसमें आप गूगल के साथ जो टैक्स वैक्स है वो दे रहे हैं, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, इसको मैं नो कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सर्टिफाई कर देता हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो न्यू, देखिए अगर आपको गूगल से पहले कोई पेमेंट आई है तो याद रखिएगा आप पहला वाला कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर आपको पेमेंट अभी तक गूगल से कोई भी नहीं आई है तो आप दूसरा वाला जो कॉलम है, सॉरी अगर आपको पहले कोई पेमेंट नहीं आई है तो आप ये पहला वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको पेमेंट पहले आ चुकी है, पहले रिसीव कर रहे हैं पेमेंट, तो फिर आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं, और उसके बाद टिक कर देता हूं, और कुछ नहीं करना है, बस सबमिट कर दीजिएगा।
ठीक है। सबमिट करने के बाद ये कंप्लीटली आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे आपको बता देगा। चलिए वेट कीजिए, देखिए तो ये कंप्लीट हो गया, जितनी भी क्लेम वगैरह करने थे वो सारे यहाँ पे हो गए, जो भी फिल करना था वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है। अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप यहाँ पे सबमिट न्यू फॉर्म पे जाके भी कंप्लीट फिल कर सकते हैं, पहला वाला फॉर्म आपका डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है कंप्लीट प्रोसेस इसको फॉर्म को फिल करने की। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।